सोलन का अस्पताल जिसमें सिरमौर, शिमला और सोलन के हजारों रोगी अपना इलाज करवाने आते हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में पूरी तरह से असफल रहा है, जिसके चलते यहां आने वाले रोगियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हद तो इस बात की है कि ऑर्थो वार्ड में महिला पुरुष के लिए एक ही शौचालय है, जिसके चलते महिलाओं को शौच जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शौचालय जाने के लिए कभी पुरुष को शौचालय के बाहर कतार में खड़ा होना पड़ रहा है तो कभी महिलाओं को। इस वार्ड में ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जो चलने फिरने में लाचार हैं। इसमें इंतजार करना उनके लिए और भी तकलीफ भरा हो जाता है। जब इस बारे में महिलाओं और उनके तीमारदारों से पूछा गया तो उन्होंने मांग उठाते हुए कहा कि महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय वार्डों में होने चाहिए, क्योंकि जिस शौचालय में पुरुष भी शौच के लिए जा रहे हैं वहां महिलाओं के लिए भी शौच जाना बेहद कठिन हो जाता है। कुछ महिलाओं ने कहा कि जिस शौचालय में पुरुष शौच के लिए जा रहे हैं वहां महिलाएं शौच के लिए जाएं, ये अच्छी प्रथा नहीं है। इस तरह के प्रबंधों से नारी के सम्मान को ठेस लगती है। उन्होंने कहा कि पुरुषों के लिए अलग से शौचालय होना चाहिए। टॉयलेट ज्वाइंट है जबकि अलग अलग होना चाहिए। फीमेल्स का अलग होना चाहिए, मेल्स का अलग होना चाहिए। यहाँ कोई वो नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता। वैसे इतने बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, अभी इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन के टाइम तो कर देंगे। अभी हम ये हमारे आगे पीछे पीछे, बाद में हम इनके पीछे पीछे होंगे। खुश तो जेंट्स लेडीज भी जाएंगी, जेंट्स भी जाएंगी, अच्छा लगता है। अंदर जाएंगे अच्छा लगता है, सामने लेडीज जेंट्स का है और अंदर जाके लेडीज है, अंदर से लेडीज आएंगे अच्छा लगता है। खुश हो जाओ आप लोग। और फिर ऊपर से ना पानी पीने का कहीं भी नहीं है, वाटर कहीं भी नहीं है। महिला नहीं सुरक्षित क्योंकि एक ही टॉयलेट है, वहीं जेंट्स जा रहे हैं वहीं लेडीज जा रही है, फिर बाहर इंतजार करना पड़ता है, या जेंट्स करे या लेडीज करे। तो क्या होना चाहिए इसमें? ऐसा भी तो होनी चाहिए तकरीबन, क्यों अलग अलग जाए? जैसे मरीज सारे ही है तो वेट कोई भी नहीं कर सकता, तो ऐसा भी जेंट्स के लिए एक, लेडीज के लिए एक। जब इस बारे में मेडिकल सुपरिटेंडेंट महेश गुप्ता से पूछा गया तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वे जल्द ही इस समस्या का समाधान करने जा रहे हैं और जल्द ही महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा, ताकि महिलाओं को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इस चीज को हम समाधान ढूंढेंगे, इसका करेंगे, क्योंकि अभी हम शायद जल्दी ही सियाम शुरू करने वाले हैं। सियाम जो है उसकी वजह से हमने जो है वो ऑर्थो वार्ड को उसके नज़दीक हमने शिफ्ट किया है, और उसको भी हम तुरंत ही, जैसे ही हमारे एक्चुअली इसकी भी रिपेयर होनी है, जो फर्श है उसका रिपेयर भी होना है, वार्ड की भी हमारी रेनोवेशन होनी है, उसके साथ साथ ही हम सब कुछ करवाएंगे। कोई नहीं, इसके हम देखेंगे, इसमें हम जल्दी ही कोई ना कोई फैसला लेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर वहाँ पे पॉसिबल होता है तो हम इनके लिए अलग अलग टॉयलेट्स बनाने की कोशिश करेंगे।